राज परिवार से टकराव के लिए सुर्खियों में रहने वाले सुखविंदर सुक्खू ने संभाला हिमाचल के मुख्यमंत्री का कार्यभार। व्यवस्था परिवर्तन के ऐलान के साथ सीएम की गद्दी पर बैठे सुखविंदर सिंह के सामने हैं दो तरह की चुनौतियां। ओबीएस और महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ते जैसे मुश्किल वादे पूरे करने के साथ साथ विरोधी खेमे को 5 साल तक साधना भी समझा जा रहा है बड़ी चुनौती। 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, अथवा राज परिवार के समर्थकों द्वारा सीएम कैंडिडेट घोषित न होने तक 2 दिन लगातार की गई पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने के समर्थन में नारेबाजी। प्रतिज्ञा पत्र के मुताबिक पहली कैबिनेट में 19 साल पहले बंद हुई पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं नए सीएम। मंत्रिमंडल का गठन भी समझा जा रहा है गांधी परिवार के करीबी सुखविंदर सिंह के लिए बड़ी चुनौती। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह, अथवा रामपुर रियासत के राज परिवार से टकराव के लिए अपने 4 दशक के पॉलिटिकल कैरियर में कई बार सुर्खियों में रहे गांधी परिवार के करीबी कहलाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सोमवार प्रातः 11 बजे बतौर हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री कार्यभार ग्रहण किया गया। इस दौरान हिमाचल पुलिस की महिला टुकड़ी द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उनके अपनी कुर्सी तक पहुंचने से पहले ही गुलदस्ते लेकर बधाई देने पहुंचे विधायकों, नेताओं व अधिकारियों की लाइन लगी देखी गई। सिस्टम और व्यवस्था परिवर्तन के ऐलान के साथ चीफ मिनिस्टर का कार्यभार ग्रहण करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि प्रतिज्ञा पत्र में जनता के साथ किया गया हर वादा निभाया जाएगा और कैबिनेट की पहली बैठक में ही प्रदेश में करीब 19 साल पहले बंद हुई पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह, अथवा रामपुर रियासत के राज परिवार के साथ टकराव के लिए अपने 4 दशक के पॉलिटिकल कैरियर में बार बार मीडिया की सुर्खियों रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्या स्टॉक्स व कॉल सिंह जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के सहयोग व राय से प्रदेशवासियों को बेहतरीन शासन देने की बात कही और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के साथ साथ सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात भी कही। गौरतलब है कि गत 8 दिसंबर को प्रदेश की 68 में से 40 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद अगले 2 दिन तक कांग्रेस सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर सकी थी और इस दौरान पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठकों के बाहर राज परिवार से संबंध रखने वाली पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों द्वारा बार बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए नारेबाजी की गई और कई बार स्थिति तनावपूर्ण होती देखी गई। राहुल गांधी अथवा गांधी परिवार के करीबी सुखविंदर सुक्खू के साथ पहले जहां मुकेश अग्निहोत्री के साथ साथ राज परिवार से संबंध रखने वाले विक्रमादित्य सिंह को भी बतौर डिप्टी सीएम शपथ दिलाए जाने की खबरें सोर्सेज के हवाले से चली, वहीं बाद में विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाए जाने की बात चली। हालांकि अभी कैबिनेट का गठन होना बाकी है। छोटे व पहाड़ी राज्य हिमाचल के पास आय के कम साधन होने के चलते जानकार यहां कर्मचारियों को ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता, पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दिया जाना व गोबर व दूध की खरीद जैसे चुनावी वादे पूरे करने को बड़ी चुनौती मान रहे हैं। इसके साथ साथ 5 साल तक सीएम की दावेदारी करने वाले विरोधी खेमे को साधते हुए सरकार चलाना भी राजनीति के जानकार कठिन काम मान रहे हैं और सूत्रों के अनुसार मंत्री पद के लिए भी बड़े बड़े कांग्रेस नेता लॉबिंग शुरू कर चुके हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों एक ही संसदीय क्षेत्र से होने के चलते कांग्रेस पार्टी सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्र व जातीय समीकरणों के साथ साथ सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और सभी पक्षों अथवा विधायकों की राय का सम्मान किया जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद पहले दिन नए सीएम सभी वादे पूरे करने व 5 साल सरकार चलाने के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखे और उनके शपथ ग्रहण के बाद से अब तक पार्टी में गुटबाजी अथवा टकराव जैसी कोई खबर सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि सरकारी वाहन के चालक के बेटे होने व दूध बेचने जैसा काम कर हिमाचल के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले सुखविंदर सुक्खू की संघर्ष की कहानी अथवा उनका पॉलिटिकल कैरियर पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरह उनके संघर्ष की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आज आपको बहुत